हेलो किड्स, आज हम साउंड ऑफ वोवल ओ पढ़ने वाले हैं। कौन सा साउंड पढ़ने वाले हैं? वोवल ओ साउंड। ओके, और हमने लास्ट क्लासेस में कौन कौन से साउंड्स पढ़ चुके हैं? देखिए, हमने लास्ट क्लासेस में वोवल ए साउंड, ई साउंड, आई साउंड हम पढ़ चुके हैं। ये है वोवल्स। क्या है ये? वोवल्स हमने पढ़ा है ना। हाउ मेनी वोवल्स वी हैव? फाइव वोवल्स, राइट। एंड वॉट इज द साउंड ऑफ ओ? ओ का साउंड क्या होता है? ओ का साउंड होता है ओ। ओके, हिंदी साउंड ओ होता है। तो बच्चों, आपको ये साउंड ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम टू लेटर वर्ड्स एंड थ्री लेटर वर्ड्स देखते हैं। ओ टी ऑट, ओ जी ऑक, ओ P ox, O X ox, okay? And now three letter words. ये जो sounds हैं ये आपको last में सुनाई देगा, ध्यान से देखिएगा। C O T co ot cot, D O G dog, T O P top, F O X fox. Now we will learn through sound. See, O T ot, O G og, O P op, O X ox. अब ये जो साउंड है बच्चों, आप देखिए लास्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ओ टी ओ टी, ओ जी ओ जी, ओ पी ओ पी, ओ एक्स ओ एक्स, ये एंडिंग साउंड है। ओके, वर्ड का एंडिंग साउंड। अब हम ध्यान से आप सुनेंगे, देखिएगा और सुनिएगा और बोलेंगे O T O T ot co ot cot, O G og D O G dog, O P op T O P top, O X ox, F Fo fox. Okay, चलिए अब पेज नंबर 22 आप लीजिए बुक में, हम इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। पेज नंबर 22 में आपको साउंड ऑफ वोवल ओ पढ़ना है। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ ओ? द साउंड ऑफ ओ इज ओ। ओके, ये साउंड होता है ओ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं टू लेटर वर्ड्स एंड थ्री लेटर वर्ड्स दिए हैं। पिक्चर्स की मदद से आपको इन वर्ड्स को साउंड की मदद से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बच्चों? साउंड की मदद से। ओके, अब चलिए मैं आपको कैसे पढ़ना है ध्यान से सुने और मेरे साथ दोहराएंगे। ओके, सी ओ टी और साउंड कैसे? ओ ट ऑट, ओ का साउंड ओ एंड टी का साउंड ट, ओ ट ऑट। हियर ओ जी एंड साउंड ओ का साउंड ओ, जी का साउंड ग, तो कैसे पढ़ेंगे? ओ ग ओग। ठीक, हियर ओ का साउंड ओ एंड पी का साउंड प, तो कैसे पढ़ेंगे? ओ प ओप, ओ प
अप. हियर ओ का साउंड ओ, एक्स का साउंड एक्स, दोनों मिलाकर ऑक्स. कैसे? ऑक्स. ओके, अब हमने ये टू लेटर वर्ड्स देख लिए हैं. अब हम इन टू लेटर वर्ड्स के जो साउंड है आपको लास्ट में दिखाई देंगे और लास्ट में ही सुनाई देंगे. ठीक है, अब देखिए अच्छे से. सी ओ टी, कॉट. सी का साउंड होता है क, क ओ ट कॉट. ओके, दोनों मिला के को ओ ट कॉट. एच का साउंड होता है ह, ह और ओ साउंड मिलकर बनेंगे हो ट हॉट. टी का साउंड क्या है? ट. हियर पी साउंड प, प और ओ साउंड मिलकर बोलेंगे पो और टी ट पो ट पोट. हियर डी साउंड, डी साउंड क्या होता है बच्चों? ड. ओके, ड और ओ मिलाकर मिलकर बोलेंगे डो, डो ग. जी साउंड ग, डो ग डॉग. हियर एफ का साउंड होता है फ, फ और ओ साउंड मिलकर बोला जाएगा फो ग फोग. हियर एल ओ जी, एल का साउंड होता है ल, ल और ओ मिलकर लो ग लोग. हियर ट ओ प, टी और ओ मिलकर टॉप टॉप. हियर एम ओ साउंड मिलकर म ओ मो प मॉप. एच और ओ साउंड मिलकर हो हो प हॉप. हियर ऑक्स. हियर एफ साउंड फ और ओ मिलकर फो स फॉक्स. बी का साउंड ब, ब और ओ साउंड मिलकर बॉक्स बॉक्स. ओके, फिर से हम देखते हैं सी, अच्छे से देखिएगा. ओ ट ऑट, को ट कॉट, हो ट हॉट, पो ट पॉट, डो ग डॉग, फो ग फॉग, लो ग लॉग, टो प टॉप, मो प मॉप, हो प हॉप, ऑक्स ऑक्स, फॉक्स फॉक्स, बॉक्स बॉक्स. ओके, अब हम इन सेंटेंस को पढ़ना सीखेंगे. और सेंटेंस को बोला जाता है वाक्य. ये वाक्य है, पूरा एक वाक्य है. साउंड की मदद से ये वाक्य बने हुए हैं. अब हम इन्हें पढ़ना सीखेंगे. ओके, लुक, द पॉट इज हॉट. द पॉट इज हॉट. आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पॉट है और पॉट कैसा है? गर्म है. ओके, हियर अ डॉल इज ऑन द कॉट. डॉल है, डॉल किस में है? कॉट में है. ओके, ड और ओ साउंड बनकर डो और ल डॉल. ओके, ये आपको अभी देखा आपने, कॉट कॉट. नेक्स्ट, अ फ्रॉग इज ऑन द बॉक्स. अ फ्रॉग इज ऑन द बॉक्स. हियर फ्रो फ्रो, एफ का साउंड होता है फ और आर का र और ओ का ओ, तो फ रो फ्रो फ्रो ग फ्रॉग. अ फ्रॉग इज ऑन द बॉक्स. आप देख रहे हैं ना, फ्रॉग बॉक्स के ऊपर है, बॉक्स पर है. हियर अ फ्रॉग इज ऑन अ लॉग. अ फ्रॉग इज ऑन अ लॉग. फ्रॉग
एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर है, ठीक है। ओके, अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इन सभी टू लेटर वर्ड्स और थ्री लेटर वर्ड्स को कैसे पढ़ना है, साउंड्स की मदद से। ओके, तो आप इन्हें अच्छे से 2-3 टाइम्स सुनकर पढ़ना सीखेंगे और बस आप साउंड्स पर ध्यान दीजिएगा। साउंड्स आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप इन वर्ड्स को पढ़ना आ जाएगा। ओके, थैंक यू।